हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, ऑप्शनल ज्योग्राफी में आप जानते हैं कि हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, और देखिए सेटलमेंट ज्योग्राफी में आज हम लोग अर्बन हायरार्की की बात करेंगे। लेकिन अर्बन हायरार्की को देखिए हम डिस्कस करना शुरू करें इससे पहले हम देख लेते हैं कि नगर क्या होता है। तो देखिए नगर की जो परिभाषा होती है अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। तो कहीं पर मान लीजिए कि जैसे भारत है, तो भारत में जहाँ पे 5,000 या ज़्यादा जनसंख्या रहती है उसे नगर कहते हैं, और कुछ जगहों पर हो सकता है कि 2,500 से जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है उसे ही नगर कहा जाए। यानी कि अलग अलग जो देश है उनमें नगरों की अलग अलग परिभाषा होती है। तो हम केवल भारत के विषय में देख लेते हैं एक अपने माइंड में फिगर बनाने के लिए कि नगर क्या होता है। तो देखिए भारत की जो 2011 की जनगणना है वो परिभाषा क्या देती है नगर की, तो ऐसे स्थान जहां पे म्यूनिसिपालिटी, कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर अधिसूचित शहर क्षेत्र कमेटी हो, यानी कि नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो। तो आप जानते हैं कि भारत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है उसमें ये सारी चीजें होती है। इसके साथ ही देखिए 5,000 या इससे अधिक जनसंख्या होना चाहिए उस स्थान पे, तभी उसे नगर माना जाएगा। और देखिए जो जनसंख्या है उसमें कुछ पुरुष की पॉपुलेशन होगी, तो यानी कि जो कुल पुरुष जनसंख्या है उस स्थान पे उसमें से 75% गैर कृषि कार्यों में लगी होना चाहिए। गैर कृषि कार्य से मतलब है कि जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के काम हो गए, सर्विस सेक्टर के काम हो गए, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या फिर कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई काम करता है, कोई भी काम है, तो ये सारी चीजें हो गई। यानी कृषि से संबंधित जो काम नहीं होते हैं तो उनमें 75% पुरुष जनसंख्या लगी होना चाहिए। और उस स्थान पर जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा देखिए, अगर हम साधारण शब्दों में एक नगर की विशेषताएं बताएं तो हम नगर की क्या विशेषताएं बताएंगे या क्या उसके गुण बताएंगे। तो देखिए पहली बात हो गई कि बड़े स्थान पे विकसित होता है, यानी कि एरिया बहुत बड़ा होता है। देखिए नगर जो है अपेक्षाकृत गांव से तो बहुत बड़ा होता है। फिर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, यानी कि कम स्थान में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं, इसीलिए तो मल्टी स्टोर बिल्डिंग बनती है, यानी कि फ्लैट वाली व्यवस्था होती है ना। फिर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में लगे हुए लोग, यानी कि देखिए अधिकतर लोग जो होते हैं वो कृषि कार्यों में नहीं लगे होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के काम जो होते हैं उसमें नहीं लगे होते हैं, बल्कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लगे होते हैं। देखिए द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सर्विस सेक्टर के अलग अलग काम हो गए, इसमें लगे होते हैं। फिर देखिए सामाजिक गतिशीलता होती है। अब देखिए गांव में आमतौर पर माना जाता है क्योंकि गांव का वातावरण बंद होता है, बाहर के समाज से उसका लेना देना कम होता है, तो वहां पर उतनी ज्यादा सामाजिक गतिशीलता नहीं होती है। लेकिन देखिए नगरों में प्रवासी आते रहते हैं लगातार अलग अलग स्थानों से, तो वहां पर जो सामाजिक गतिशीलता है बहुत ज्यादा होती है। लोग मेट्रो है और भी जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम है उनमें मिलते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो जो नए नए आइडियाज हैं वो क्रिएट होते हैं। तो देखिए इसीलिए माना जाता है कि जो नगर है उसमें धर्मनिरपेक्षता की भावना ज्यादा प्रबल होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, और देखिए जो परंपराएं हैं इनका कम दबाव होता है। यानी कि देखिए जैसे गांव में होता है तो पंचायत है, खाप है, ये सारी चीज़ें लोगों के जीवन पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखती हैं, तो शहरों में ऐसी चीज़ें कम देखने में आती हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आसपास के इलाकों पर शहरी क्षेत्रों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, यानी कि आसपास ही नहीं बल्कि कहना चाहिए काफ़ी दूरी पर भी जो इलाके होते हैं वहाँ तक शहरों का प्रभाव पहुँचता है। तो कोई भी देखिए जो बड़ा शहर है तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी रोजगार के अवसर होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं, यानी कि एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, हेल्थ की अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने दूर दूर तक के जो इलाके हैं उन पे प्रभाव डालती हैं। अब देखिए मान लीजिए किसी बड़े शहर में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो दूर दूर तक बिकने जाता है, और दूर दूर से लोग उस शहर में जॉब के लिए आते हैं, तो एक तरह से जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि जो शहरों का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस तो अपने आप में पूरा एक टॉपिक है हमारा, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यानी कि नगरीय बस्तियों का पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ अर्बन सेटलमेंट। तो देखिए जो बसाव स्थान होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग क्रियाओं को संपन्न करते हैं। यानी कि देखिए कुछ बसाव स्थान है जहाँ पे हो सकता है कि एजुकेशन है, हेल्थ है, इससे संबंधित बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो, और भी अलग अलग तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, यानी कि कहीं पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, कहीं पे हो सकता है कि अलग तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो इस आधार पर हम उन्हें क्रमबद्ध कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि एक जो बड़ा शहर है तो वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि अच्छी क्वालिटी की होंगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी उपलब्ध होंगी। अब मान लीजिए कि एक मेट्रोपॉलियन सिटी है या फिर एक मान लीजिए कि मेगा पॉली सिटी है, तो इनमें क्या होगा कि जो सुविधाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी, यानी कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स होंगे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी होगी, जैसे कि दिल्ली में देखिए मेट्रो है, बेंगलोर में है, यानी कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। तो इन्हीं आधारों पर हम इनको एक क्रम से रख सकते हैं, यानी कि जहाँ पर ये सारी सुविधाएँ जो हैं बहुत अच्छे से हैं उनको हम ऊपर के क्रम में रख लें, और जिनमें फिर देखिए जैसे जैसे सुविधाओं में कमी आती जाती
जाती है तो हम उनको नीचे के क्रम में रख लें, इसी तरह से जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या रहती है उसे हम ऊपर के क्रम में रख लें, और फिर इसी तरह से एक क्रम बना दें उससे कम जनसंख्या वाला शहर, फिर उससे कम जनसंख्या वाला शहर। यानी कि हम देखिए ये जो नगरीय बस्तियाँ हैं इनको, इनकी क्वालिटीज़ जो अलग अलग होती हैं उसके हिसाब से एक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यही है नगरीय बस्तियों का पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ अर्बन सेटलमेंट। और देखिए ये जो नगरीय बस्तियाँ होती हैं इनमें सामंजस्य होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर देखिए एक बहुत बड़ी मान लीजिए बस्ती है और उसके पास में एक छोटी सी बस्ती है, तो क्या होगा कि छोटी सी बस्ती में देखिए जो लोग रह रहे हैं तो हो सकता है उनमें से कुछ लोग पशु का पालन करते हों, यानी कि दूध वगैरह का उत्पादन करते हों, कुछ लोग फल फूल का उत्पादन करते हों, तो ये सारी चीज़ें जो है बड़े शहर में ये लोग बेचने जाते हैं। और ऐसे ही जो बड़े शहर में उत्पादन होता है, यानी कि मान लीजिए वहाँ पर जूतों के कारखाने हैं और इस तरह की जो अलग अलग चीज़ें हैं, प्लास्टिक का काम होता है, तो ये सारी चीज़ें देखिए पास के छोटे शहर में बिकेंगी। यानी कि इन सारे जो ये पदानुक्रम है इनमें सामंजस्य होता है, ये एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो पदानुक्रम है यानी कि जो हायरार्की है उसके अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं। तो देखिए आकार के आधार पर पहले देखते हैं, यानी कि देखिए आकार से मतलब है कि जो सबसे छोटा है वो टाउन हो गया, उससे ऊपर होता है सिटी, उससे ऊपर होता है मेट्रोपोलिस, उससे ऊपर होता है कॉनर्बेशन, और उससे ऊपर होता है मेगापोलिस। यानी कि देखिए ये एक हायरार्की बन गई ना आकार के आधार पर, कि सबसे छोटा हो गया उससे बड़ा, तो इस तरह से, तो इसी को हायरार्की कहते हैं। तो देखिए जो टाउन होगा उसमें 5 लाख से कम जनसंख्या होगी, और जो सिटी होगा उसमें 5 लाख से 1 मिलियन तक जनसंख्या जहाँ पे होगी उसे सिटी बोलेंगे, 1 मिलियन से 5 मिलियन के बीच में जहाँ पे जनसंख्या होगी उसे मेट्रोपोलिस बोलेंगे, जहाँ पे 5 मिलियन से 10 मिलियन जनसंख्या होगी उसे कॉनर्बेशन बोलेंगे, और 10 मिलियन से जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है उसे मेगापोलिस बोलेंगे। तो ये आकार के आधार पर हायरार्की हो गई। तो देखिए टाउन, अब इससे नीचे भी होता है जैसे कि विलेज वगैरह हो गया, लेकिन क्योंकि हम अर्बन हायरार्की को पढ़ रहे हैं तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं, हम टाउन से शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए कार्यात्मक आधार पे या फंक्शनल आधार पे भी हम हायरार्की को तय कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग नगरों में जो काम होते हैं उस आधार पे। तो अब देखिए जैसे कि क्रिस्टॉलर का जो केंद्रीय स्थल सिद्धांत है वो इस बारे में ही है, वो देखिए यही बताता है कि कोई केंद्रीय स्थल जो होता है वो कैसे विशिष्ट होता है, और फिर जो आसपास के हायरार्की में जो स्थल होते हैं कैसे उनमें जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, उनमें कमी आती जाती है। तो जैसे कि उनके मॉडल में कुछ सारे सिद्धांत है, जैसे K=3 है, K=4 है, इन्हें सारों को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि देखिए फिर भी आपको एक बता देता हूं, जैसे K=3 का मतलब है कि जो मेन प्लेस पे मार्केट होता है, यानी कि जो केंद्रीय स्थल पे मार्केट होता है वो उसके जो जस्ट अगला स्थल होता है वहां पे जो मार्केट होता है उससे 3 गुना बड़ा होता है, यानी केंद्रीय स्थल वाला जो मार्केट है वो 3 गुना बड़ा होता है अपना जस्ट अगला जो स्थल होता है वहां के मार्केट से। इसके साथ ही देखिए अब हम एक जो हायरार्की है उसको, अस्पताल कितने हैं उस स्थान पे, विद्यालय कितने हैं, यातायात के संसाधन कैसे उपलब्ध हैं, बैंक कितने हैं, उद्योग किस तरह के हैं, इन सारे आधारों पे विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है अब जैसे टाउन है तो टाउन में ये सारी चीज़ें कम होंगी, सिटी में उससे थोड़ी ज़्यादा होंगी, मेट्रोपोलिस में उससे थोड़ी ज़्यादा होंगी, और जब मेगापोलिस तक पहुँचेंगे तो वहाँ पर कई सारे बैंक होंगे, कई सारे उद्योग धंधे होंगे, कई सारे यातायात संसाधन होंगे। तो इस तरह से मतलब एक हम देख सकते हैं कि कैसे जो है प्लेसेस डेवलप हो रहे हैं, और उस आधार पर हम उनकी हायरार्की को जो है तय कर सकते हैं। फिर देखिए इसको प्रशासनिक आधार पर भी तय किया जा सकता है, यानी कि देखिए जैसे कि भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे नीचे, मैं केवल देखिए अर्बन हायरार्की की बात कर रहा हूँ, तो ब्लॉक होता है, फिर तहसील होती है, फिर जिला होता है, फिर प्रदेश की राजधानी होती है, और फिर देश की राजधानी होती है। यानी कि इस तरह से देखिए एक हमारे यहाँ हायरार्की बनी है। तो पूरे विश्व में अलग अलग जो देश हैं वहाँ पर इस तरह की हायरार्की पाई जाती है, अलग अलग तरह से उन्होंने भी अपने यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन किया है और उस आधार पर वहाँ की हायरार्की पाई जाती है। फिर देखिए एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के आधार पे या प्रभाव क्षेत्र के आधार पे भी हम शहरों को एक क्रम में रख सकते हैं। तो इसमें अल्फा, बीटा, गामा 3 तरह के शहर होते हैं। तो देखिए अल्फा तरह के शहर जो होंगे वो उस तरह के शहर होंगे जिनका प्रभाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत दूर दूर तक के इलाकों में जिनका प्रभाव पहुँचता है, तो जैसे शिकागो हो गया। बीटा टाइप के जो शहर होंगे उनका अपेक्षाकृत कम दूरी तक प्रभाव पहुँचेगा, तो जैसे सिडनी हो गया। और फिर गामा तरह के जो शहर होंगे उनका प्रभाव जो है और भी कम क्षेत्र तक पहुँचेगा, यानी कि थोड़ी ही दूरी तक पहुँचेगा, तो जैसे एम्स्टर्डम हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि इस तरह की ये जो हायरार्की है इसके लाभ क्या होते हैं। तो जैसे कि अब आपको यातायात के साधन विकसित करने के लिए एक नीति बनाना है, तो अब आपको पता है हायरार्की के हिसाब से कौन से प्लेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, और फिर आपको ये भी पता है कि ये जो बड़ा वाला प्लेस है इसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है बहुत दूर तक है, तो ऐसे में वहाँ पे आप इस तरह के यातायात के साधन विकसित करेंगे जो भविष्य में आने वाली वहाँ पे आबादी को सपोर्ट कर पाएं। इसके साथ ही जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे आप इतना मजबूत करेंगे कि वहाँ की जो ग्रोथ है वो रुके नहीं, लगातार ग्रोथ चलती रहे। इसी के साथ देखिए वृद्धि केंद्रों का निर्धारण करने में, यानी कि अब आपने जब हायरार्की का अध्ययन किया
तो जैसे मैंने क्रिस्टॉलर वाला सिद्धांत भी आपको बताया, अब आप समझ गए कि कौन कौन से हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि केंद्र हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं जो बहुत सारी जॉब क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह से इंडस्ट्रीज़ वगैरह को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे सरकार जो है स्पेशल तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दे सकती है, स्पेशल तरह की छूटें दे सकती है जिससे कि उससे पूरी इकोनॉमी को लाभ हो। ये सारी चीज़ें देखिए डिटेल में जब मैं आपको मॉडल्स वगैरह पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा समझ में आएंगी। फिर देखिए जब मैंने आपको प्रवास पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो प्रवास होता है उसका एक ये नियम होता है कि लोग जो है आसपास के जो बड़े शहर होते हैं अपेक्षाकृत पहले वहां जाते हैं और फिर उससे बड़े शहर में, यानी ये क्रमबद्ध रूप से प्रवास होता है। तो अब देखिए जब आपको ये हायरार्की पता है कि हाँ कौन सा सबसे छोटे शहर है, उससे बड़े कौन से हैं और फिर उससे बड़े कौन से हैं, तो आप एक प्रवास का पैटर्न समझ पाएंगे कि जो हमारा देश है उसमें किस तरह से प्रवास होगा और फिर उस आधार पे आप अपने जो शहर हैं उनमें प्रबंधन कार्य कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि अगले 10 सालों में, अगले 20 सालों में यहाँ पे कितने लोग प्रवासी के रूप में आएंगे, उस हिसाब से फिर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप किया जा सकता है। तो ये सारे देखिए लाभ हैं इसके जो हायरार्की है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।